गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 5, जय विज्ञान की। लास्ट में हम लोगों ने जय विज्ञान की पोयम स्टार्ट की थी। आगे हमने देखा कि आज हम विज्ञान की मदद से आज हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। घर बैठे बैठे हम फोन पे बातें करके किसी को भी संदेश आए वो फटाफट से एक मिनट में दे सकते हैं। फैक्स की मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे निकाल सकते हैं। और एक विकास का जादू है वो पूरे देश में फैला है, और वो किसकी मदद से? विज्ञान की मदद से। उसके बाद विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है? तो कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो कंप्यूटर का कार्य है वो इतना झड़प से क्यों हुआ है, क्यों हुआ है झड़पी से? वो किसके कारण से? इंटरनेट से। आपको भी पता है कि आप सब घर पे नेट यूज करते हो। आज हमारे आप देख सकते हो कि अगर सोचो कि कोरोना है वो उस समय पे आया होता कि जब नेट सुविधा होती ही नहीं, तो आप लोग घर पे किस प्रकार से पढ़ाई करते? हाँ, यानी कि एक लिंक भेजने से सबके घर पे पहुंच जाते थे और आप सब लोग घर पे बैठे बैठे सीखते थे। यानी कि इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर है वो उसकी मदद से हम कुछ भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। अधर अधर पर खुशियाँ लिखी, गंगा यमुना लहराई। गंगा यमुना लहराई यानी कि बहुत आनंदित होना। यानी कि इस प्रकार से विज्ञान ने इतनी सारी हमें सुविधाएं दी है कि इधर उधर सभी जगह पे खुशियाली छा गई है, सब काम फटाफट से हो जाता है। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। जो बच्चे हैं यानी कि आज के जमाने के जो बच्चे हैं जो विज्ञान की मदद से ये सुविधाएं वो ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी सदी यानी कि जो जिस काल में वो जी रहे हैं उसकी दो गुनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो आनंदित रहते हैं। उसको एक प्राउड फील होता है कि हम हैं वो विज्ञान की मदद से आज हम लोग इतने खुश हैं, इतनी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में ये पाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम जब जैसा समय वैसी हमारी सोच। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अभी भी आप लोग पुराने जमाने की ही बात लेके रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आज के जमाने की बात को लेकर आप आगे निकलोगे तो आप आगे निकल जाओगे। इसीलिए समय के साथ चलेगा तभी ही आप सब लोगों को दुनिया में नाम मिलेगा। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। वसुधा यानी पृथ्वी, स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधाओं का निर्माण करना। यानी कि पृथ्वी पर हम सुख सुविधाओं का निर्माण कैसे करेंगे? खुद के प्रयास से। और वो कैसे करेंगे? हम मेहनत करके। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। यानी कि विज्ञान ने हमें इतनी सारी गिफ्ट दी है, लेकिन उसके साथ साथ हम मानवता, हमारे अंदर जो मानवता है उसको हम भूल ना जाए, ये याद रखना है। हम लोग मोबाइल में भी इतने ना पड़ जाए कि हमें हमारे माता पिता के सामने किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से नहीं। और जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका उपयोग हम लोग जितना हो सके उतना, और जितना समय हमें उसका उपयोग करना है उतना ही करें। उससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए ही वो हानिकारक है। इसीलिए खासकर हम जो भी विज्ञान के जो भी सुविधाएं हमें मिली है उसका उपयोग करेंगे तो पहले हम मानवता का ध्यान रखेंगे। जैसे कि विज्ञान ने हमें परमाणु बम जैसी जैसे महाभयानक भी बम दिए हैं, लेकिन उसका उपयोग अगर गलत जगह पे हो जाए तो सोचो कि क्या होगा। इसीलिए कोई भी चीज़ है उसके फायदे होते हैं, उसके सामने उसके गैर फायदे भी होते हैं, लेकिन उस चीज़ का हमें किस प्रकार से उपयोग करना है वो हमारे पर डिपेंडेड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विज्ञान ने कितनी सारी सोधे दिए, बल्ब है, लाइट। आप सोचो लाइट नहीं होती तो लाइट, टेलीफोन, बाद में मोबाइल, कंप्यूटर, फैक्स, कुछ भी सोचो आप लोग। आज इतना आसान बन गया है, कपड़े धोने का मशीन, एसी, फ्रिज, देखो कितनी सारी हमें सुविधाएं मिलेंगी। किसकी मदद से? इस प्रकार के विज्ञान के अंदर सब लोगों ने
विज्ञान को पहले आगे लिए, उसमें से जो भी सफल हुए व्यक्ति उसने अलग अलग तरह की इन्वेंशन की, इस प्रकार की शोध की, और शोध करने के बाद आज हम उसको उसका हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं ना, और हम उस सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। तो ये आनंद ले रहे हैं, उसके साथ साथ भी हमारा एक कार्य है मानवता। ये इतनी सुख सुविधाएं लेने में हम ये ना भूल जाए कि हम भी एक मानव है। ओके, तो ये थी हमारी काव्या, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका वर्क आप लोगों को वर्कबुक में कंप्लीट करना है, और समझ में ना आए तो आप लोग मुझे फिर से स्कूल में पूछ सकते हो।